मेरे प्यारे दोस्तों, एक कुर्सी हमने खरीदी है ऑनलाइन में। देखिए अभी इसको हम खोलते देखते हैं क्या है। ये चेयर है, ये अभी ऑनलाइन मंगाया है। और ये चेयर देखिए, इसके साथ में हमें क्या क्या मिला है। ये देखिए, ये फाइबर का है, ये भी फाइबर का है, लोखंड का बना हुआ है, एम एस स्टील का। और इसको पाउडर कोटिंग किया गया है जॉइंट करने के लिए। ये हमें दिया गया है, इसमें देखिए ये दो रॉड है, ये थोड़ा कर्व है। और कर्व इसलिए है कि इसके नीचे बराबर एक कर्व में बैठ जाए, इसके लिए इसको कर्व दिया गया है। और इसके साथ में ये मैनुअल दिया गया है, तो जो भाई को देखना है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसा फिटिंग करें। दोस्तों अभी तक मैंने आपको दिखाया अनबॉक्सिंग, अब मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसको कैसा फिट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, औजारों चैनल में अभी तक मैंने आपको दिखाया अनबॉक्सिंग, अभी हम इसको एक्चुअली असेंबल कैसा करते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, एकदम इजी चेयर है, हल्का चेयर है और बेस्ट है। कभी आपको जगह आपके घर में कम है तो आप इसको खोल के भी बाजू में रख सकते हैं। अभी देखो दोस्तों, हम इसको एक एक पार्ट इसके हम जोड़ेंगे। देखो दोस्तों, इसमें दो पार्ट हमको दिए गए हैं, इसमें से एक छोटा बड़ा है, तो छोटा पार्ट हमको पीछे लगाना है, ठीक है दोस्तों, और बड़ा पार्ट आगे लगाना है। ये देखिए, इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये बोल्ट डालेंगे और यहाँ भी हम ये बोल्ट डालेंगे। फिर हम इसको है ना, ये नीचे से थोड़ा सा नट लगा देंगे। ये हमने यह नट लगा दिया है। अब हम इसका साइड का दूसरा पार्ट है, हम इसको ऐसा जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये जोड़ा हमने, अब इसको भी हम ऐसे नट डालेंगे। देखो दोस्तों, क्या रहता है, बहुत से लोगों के घर में जगह कम रहती है, या तो कैसा छोटा कुर्सी रहेगा तो आप कभी भी इसको बंद कर सकते हैं। कभी कभी इसका होल मैच नहीं होता है तो आपको बराबर देखना है। देखो मैच कर दिया, फिर हम इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। देखो दोस्तों, हमको है ना इसको अच्छी तरह से स्पैनर से टाइट करना चाहिए। एक्चुअली कंपनी स्पैनर नहीं देती इसके साथ में। अभी मैं इसको पकड़ से टाइट कर देता हूँ। एक लूज नहीं रखना है हमको, अगर लूज रहेगा तभी निकल गया तो हमको कुर्सी टूट सकती है। देखो दोस्तों, अभी मैंने लगा दिया है, अभी आपका चेयर तैयार होगा। अभी इसको दो पार्ट दिए गए दोस्तों, ये देखिए ये दो पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर का जो पार्ट है ये इसके अंदर ऐसा डालेंगे हम इसको। ये देखिए, ये डाल दिया हमने। और ये जो पार्ट है इसका, इसको ऐसा देखो लॉकिंग अरेंजमेंट दिया गया है, ये थोड़ा सा लॉकिंग है, जैसा ढकेल देंगे तो पाइप में क्लिप टाइट हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, अभी मैं इसको ऐसा रखूँगा इसके ऊपर और मैं इसको ऐसा खाली पुश करूँगा इसको। ये देखिए, पुश किया मैंने, ये फिट हो गया। और इधर भी मैं इसको पुश करूँगा। अभी देखिए, आपकी कुर्सी बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ में अभी हमको क्या दिया गया है, ये रबर के दिए गए हैं, काले ब्लैक कलर के। ये हमको इसलिए रखना है कि ये कभी नट गिरे नहीं और हमेशा लॉक रहे, इसलिए ये इसको हमको ऐसे लगा देने हैं। ये खाली ऐसे शो के लिए है, इसको हमको ऐसा दबा देना है चारों को। ये देखिए मैंने लगा दिए। उसके बाद क्या करें दोस्तों, ये दो स्क्रू है हमारे पास, ये दो स्क्रू दिए गए हैं। अच्छा, ये स्क्रू किसके लिए है,
ये कोई ऐसा पकड़ेगा तो ये ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए इधर के लिए हमको ये दो स्क्रू दिए गए हैं। ये दो स्क्रू है ना, हमको इसके अंदर डालना है इधर, और यहाँ से हमको इसको टाइट करना है। देखो दोस्तों, अगर एक कुर्सी आपको अगर चाहिए, कभी आपको इस चेयर की ज़रूरत है, तो आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है इसका, आप उस लिंक से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये अभी 100% एकदम ओके कुर्सी हो गई है, और हल्का भी है, एक हाथ से आप उठा सकते हैं, एक उंगली से भी उठा सकते हैं। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप हमको बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए।